सभी किसान भाइयों को नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपी स्मार्ट ट्रैक्टर में। हम मशीन परसों चला रहे थे तो अपनी मशीन में अचानक से साइक्लोन में चावल आने लगा था, तो पहले मशीन बाहर निकालेंगे, उसके बाद देखते हैं चावल कहां से आ रहा था, उस समस्या का समाधान करते हैं। और वीडियो बने रहिए, आपको दिखाते हैं कि चावल किसकी जगह से आ सकता है, कहाँ से हमारी मशीन में आ रहा है, ये आपको भी लाइव दिखाएंगे, वीडियो प्रूफ के साथ दिखाएंगे उसको कैसे सही किया जाएगा। जब किसान भाई पुराने हों तो जानते ही होंगे कहाँ से आ रहा होगा, लेकिन पहले मशीन को ट्रैक्टर में जेट कर बाहर निकालते हैं, उसके बाद फिर दिखाते हैं कि चावल कहाँ से आ रहा था। तो भाई हमने ले लिया है पेचकस और रिंच, ले चलते हैं आपको मशीन पास, दिखाते हैं कि मशीन में क्या कमी है। ये दो बैठे बच्चे देखिए, सुबह सुबह ठंडी में क्या हाल है, आ गए हैं मशीन के हम बाईं तरफ। अभी दोनों लिफ्ट खोल कर फिर दिखाते हैं, अचानक से एकदम जाली से चावल आने लगा था पॉलिशर में जाने लगा, उसमें साइक्लोन में देखिए, अभी तक देखिए इधर भी जाली सही है उधर भी जाली सही है। अब इसको ऊपर वाला खोल के देखते हैं कि चावल कहाँ से जा रहा था, क्योंकि चावल बहुत ज़्यादा जा रहा था। ये देखिए हमको लग रहा उस साइड से चावल जा रहा था, क्योंकि ये वाली जाली देखिए जाम हुई है, इसमें पूरा ब्रान भरा हुआ है, पूरी सस्की हुई है ब्रान से, तो इसका मतलब है उसी साइड से जाली हमारी टूटी हुई है या निकली हुई है, उसी साइड से चावल गिर रहा था। लेकिन पॉलिशर में नीचे वाले चावल नहीं जाने का मतलब है कि ऊपर वाले से ही, हाँ सही बात है ऊपर वाले से जा रहा था। और एक बात आपको बता दें, आप मशीन जब भी खड़ी करते हैं तो इसको ऊपर वाले को हमेशा बंद करके रखें, क्योंकि ऊपर से कूड़ा करकट जाता है तो डायरेक्ट उसमें जाने पॉलिशर में या डोंगे में जाए गिरेगा तो बाद में मशीन में जाके फंसेगा। तो इसको दोनों को आप सावधानी रखें, मशीन चलाने के बाद हरदम बंद करें और इस डंडे को हरदम नीचे गिरा के रखें। ये देखिए नीचे गिराने से रबड़ डिसंगेज हो जाएगी, डिसंगेज का मतलब है कि रबड़ दोनों आपस में चिपकी रहती हैं और रबड़ जो है छूट जाएंगी आपस से। नहीं तो कुछ मशीनों में, अधिकतर मशीनों में जो नई मशीनें आ रही हैं उसमें गोल्ड मोहर की रबड़ आती हैं और रबड़ होती है हार्ड, वो हार्ड होने के कारण जलने लगती है, धुआं निकलने लगता है बार बार। तो आपको इस डंडे को नीचे करके बीच में कर दीजिए, किसी किसी मशीन में नीचे करने पर वो डिसंगेज होता है, तो आप अपने अनुसार इसको कर सकते हैं। ले चलते हैं उधर की जाली खोल के आपको दिखाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से है। तो प्रॉब्लम अपनी मिल चुकी है, देखिए जाली निकल गई यहाँ से, बिल्कुल अलग हो गई, यहीं से चावल जा रहा था पॉलिश में, तो इसको हम करने वाले सही है। इसमें कुछ काम बहुत ज़्यादा नहीं है, बस इस ऊपर वाले बोल्ट को खोलना है और इसको फिर से बैठा देना है। इसको हो सकता है ढीली होगी तो इसको हमको टाइट कर लेना, थोड़ा बैंड इसमें जो बढ़ा देना है तो ये टाइट हो जाएगी। ये दूसरी बार ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो इसको हमको थोड़ा टाइट इस बार करना ही होगा। और ये देखिए हमारी राइस मिल, ये जो है ज़्यादा महीन जाली रहेगी आपकी राइस मिल में, तो ये जो फंस रहा है तो फंसेगा नहीं, इसमें कटिंग ज़्यादा होती है, ये मोटाई होने के कारण इसमें फंस रहा है, पतली जाली में दबाव होने के कारण, प्रेशर होने के कारण बाहर निकल आता है। ये भूसी है जो कि ब्रान में नहीं जानी चाहिए, ये देखिए हमारा ब्रान कितना गंदा आ रहा, देखिए। तो चलते हैं इसको सही करने, उसके बाद चलते हैं फील्ड में मशीन लेकर, फिर आपको दिखाते हैं कि चावल की क्वालिटी और मशीन कैसी चल रही है। भाइयों हमने इस तरफ वाली भी जाली खोली है, इसकी कंडीशन दिखाते हैं आपको, ये देखिए इसमें भी पूरा चावल जाम हो गया जाली में, धान ओद होने के कारण अक्सर मशीन में ऐसी प्रॉब्लम परेशानी आती हैं। तो धान ज़्यादा आपका गीला है होता है तो आप इसको निकाल के बार बार साफ करिए, देखिए हम इसको झटक रहे हैं, उसके बाद गिर रहा है, इससे पॉलिश में जो है तेल निकाला जाता है, वो तेल के कारण इसमें चिपकने लगता है, ओद के कारण चिपकने लगता है, धान गीला होता है, तो इसको आप बराबर साफ करते रहिए, इससे लोड ओड मशीन पर कम पड़ेगा, पॉलिश भी अच्छा जाएगा। देखिए इसमें कूड़ा करकट इसमें देखिए फंसा है, ये देखिए, तो मशीन की साफ़ सफाई ज़रूरी है, तो
तो आप लोग बराबर इसको साफ़ सफाई करते रहिए, मशीन बराबर चला रहे हैं, रेगुलर चला रहे हैं। तो ये देखिए जाली निकल गई दूसरी। अब ये नया वाला पत्थर जो डाले थे इसमें भी देखिए चिपक गया है पूरा। इसको हम पेचकस से देखिए, ये धान में नमी होने के कारण होता है। ट्रैक्टर बड़ा है तो खींच के निकाल देता है, वरना छोटे ट्रैक्टर का दम घुटने लगता है ऐसा काम करने में। देख रहे हैं आप लोग इसमें कितना कचरा हो जाता है। तो आप लोग इसकी साफ़ सफाई करते रहिए बराबर रेगुलर। तो वीडियो में आगे बने रहिए, ले चलते हैं फील्ड में। आप आइए, फील्ड में हम पहुंच चुके हैं, अपनी राइस मिल आपके सामने चल रही है। ले चलते हैं, दिखाते हैं कि अपने राइस मिल में डीएसकर पालिसर पालिस चावल कैसे आ रहा है। सब पैसे पे तराई कर रहे हैं मंसूरी धान।